अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत एआई इमेजेस क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर ऐसी इमेजेस तो देखी होंगी जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है। इन्हें क्रिएट करना दोस्तों बहुत ही आसान है, जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू एआई फोटो जनरेटर प्रॉम्प्ट लेकर आया हूँ। इसे यूज़ करने का तरीकाकार भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने आ जाना है क्रोम पे या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ आपने सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों, ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको साइन इन करना पड़ेगा, फिर आप उस प्रॉम्प्ट की ये इमेजेस क्रिएट कर सकेंगे। सो दोस्तों, उसके बाद आपने जस्ट पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और उस प्रॉम्प्ट की या इमेजेस क्रिएट कर लेनी है। सो दोस्तों, जैसे कि मैं वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है। चौथी लाइन पे आपको दोस्तों नेम के साथ आप कैपिटल नेम लिखा हुआ है, आपने इसको रिमूव करके अपना नेम लिख देना है। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ और ब्लैक की जगह आप कोई भी नेम लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जस्ट आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। प्रोसेसिंग के कुछ टाइम के बाद दोस्तों ये आपको उस टाइप की ये इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। इंतज़ार करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों एक टाइम में 4 पिक्चर्स जनरेट हो सकती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारी इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने जस्ट एक पिक्चर पे क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, व्हाइट शर्ट पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, साथ पैरेट है, फ्लावर है। तो इस तरह देख सकते हैं आप दोस्तों कैसे इसने इमोशनल पिक क्रिएट कर दी है। उसके बाद दोस्तों, आप 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, व्हाइट शर्ट पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, साथ पैरेट है, फ्लावर है। तो इस तरह देख सकते हैं आप दोस्तों कैसे इसने इमोशनल पिक क्रिएट कर दी है। उसके बाद दोस्तों, आप 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई पिक्चर्स पसंद नहीं आती तो आपने प्रॉम्प्ट में बैक आ जाना है और आपने इसमें से कुछ चेंजेस कर लेनी है। जैसे यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ ब्लैक। उसके बाद दोस्तों, जस्ट आपने फिर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, प्रोसेसिंग के कुछ टाइम ही बाद ही आपको चेंज करके उस टाइप की ये इमेजेस क्रिएट करके दे देगा। फिर आपने एक इमेज पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही प्यारी इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस तरह की चेंजेस करके बहुत ही अट्रैक्टिव इमेजेस बना सकते हैं और सोशल मीडिया पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।